आज का टॉपिक्स है एक्सेल पे कन्वर्टर टेबल किस तरह से आप बनाएंगे। तो एक्सेल पे कन्वर्टर टेबल बनाने के लिए पहले एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कन्वर्शन लिस्ट डाले हैं, जैसे यहाँ पे एंटर द वैल्यू एंड चूज यूनिट, यहाँ पे हमने डाले हैं 12 और फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पे चूज किए हैं हमने इंच और सेकेंड यूनिट कन्वर्शन चाहिए हमको फीट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 इंच उसको फीट पे अगर कन्वर्शन करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, जैसे 1 फीट, मतलब 12 इंच पे 1 फीट होता है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 1 फीट निकल के आ चुका है। और भी बहुत सारा यहाँ पे कन्वर्शन डिटेल्स है जो हमने यहाँ पे साइट पे आपको दिखाया, लेकिन इसका टोटल डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ से इस डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको किस तरह से अब बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे कन्वर्शन लिस्ट लिखना है, इस तरह से आपको एक बॉक्स पैटर्न बना देना है। आप यहाँ पे पैटर्न बना दीजिए। मेन बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं फर्स्ट यूनिट पे जैसे आपका लिस्ट बॉक्स, आपका यहाँ पे लिस्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया। और आप यहाँ से कोई भी फर्स्ट यूनिट आप चूज कर सकते हैं, जैसे सी फॉर सेल्सियस, एफ फॉर फारेनहाइट, टीस्पून, टीबीएस, टेबल स्पून। तो इस तरह से बहुत सारा कन्वर्शन फॉर्मेट जो है इसको हमने एक लिस्ट बॉक्स में डाल दिया है। और यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड यूनिट जो है इसमें भी हमने इस तरह से ड्रॉप लिस्ट बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों अगर आपको जैसे इस लिस्ट बॉक्स को किस तरह से बनाते हैं इसको हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल पे हमने ऑलरेडी दिखाया है, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं रेफर करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस वी लुकअप फंक्शन को आप देख लीजिएगा, वी लुकअप फेज 1 है, फेज 2 है, ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, इस पर आपको पता चल जाएगा किस तरह से लिस्ट बॉक्स क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों आप पहले फर्स्ट यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और सेकेंड यूनिट को आप फिर से इस तरह का लिस्ट बॉक्स बना लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि डाटा पे जाना है आपको, वैलिडेशन डाटा पे आना है, और यहाँ पे जैसे सोर्स फाइल मतलब वी लुकअप पे हमने दिखाया था किस तरह से आप कॉलम को चूज करके यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिए हैं डायरेक्टली कौन सा हर जितना सारा यूनिट है सबको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको लिस्ट बॉक्स क्रिएट करना है, लिस्ट बॉक्स फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट का लिस्ट बॉक्स क्रिएट करना है। अब भी बात है आपका यहाँ पे कन्वर्शन वैल्यू किस तरह से आएगा। तो कन्वर्शन वैल्यू के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कन्वर्शन वैल्यू यहाँ पे 12 इंच को सेकेंड यूनिट दैट इज फीट पे अगर कन्वर्ट करना है तो आपको कितना आ रहा है वैल्यू 1। तो इसको लिखने के लिए इसका रिजल्ट यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो आप इसको इग्नोर कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको किस तरह से करना है, इक्वल्स टू डालना है आपको। इक्वल्स टू डालने के बाद आपका जो फॉर्मूला होता है वो है कन्वर्ट, तो CONVERT कन्वर्ट लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे I7 दैट इज आपका यूनिट देना है, वैल्यू देना है। वैल्यू देने के बाद देन फर्स्ट यूनिट कॉमा देके फर्स्ट यूनिट, उसके बाद में कॉमा देके सेकेंड यूनिट देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप कन्वर्ट का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट, देन यहाँ पे जैसे कि हमने ई फंक्शन डाले थे इसलिए इस तरह से आके तो कन्वर्ट देना है, कन्वर्ट देन I7 मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट यूनिट देन कॉमा देन सेकेंड यूनिट डालना है।
तो इस तरह से आप कोई भी यूनिट को फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा कन्वर्शन मेथड हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे आप टाइम फ्रॉम यूनिट टू टाइम आप चेंज कर सकते हैं, टाइम आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ईयर टू डे आवर मिनट सेकेंड इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी का कन्वर्शन है, तो सब कुछ आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप लिस्ट बॉक्स जो है उसको क्रिएट कीजिएगा। क्रिएट करने का बाद आप तो बस आपको चूज़ करना है और वैल्यू लिखना है और चूज़ कर देना है, मतलब फर्स्ट यूनिट आपका कौन सा होगा और सेकेंड यूनिट आपका कौन सा होगा, और आपका जो रिजल्ट सेल है उस पर ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्शन वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 इंच को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 टीस्पून जो है, 12 टीस्पून सेकेंड यूनिट हमको टेबल स्पून पे कन्वर्ट करना है, मतलब 12 टीस्पून अगर आपको 12 टीस्पून को टेबल स्पून पे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल वैल्यू पे आपको 4 निकल के आ चुका है। तो ऑटोमेटिकली जो है एक बार आप सेट करने से ऑटोमेटिकली आपका जो कन्वर्शन वैल्यू है या कन्वर्शन आपको लिस्ट चाहिए सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा और उसको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स है ये एक्सेल यूनिट कन्वर्शन टॉपिक्स है, तो इसको आप दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।